वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं, आज के इस वीडियो आप कुछ चीज़ें जानेंगे कि एक्चुअली जब एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हमने देखा था कि जब भी हम एक सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं एक प्रोग्राम का, तो हम उस सी के प्रोग्राम में जो भी इंक्लूड कर रहे हैं एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। ओके, आइए आज जानते हैं कि जो प्रोग्राम आप क्रिएट करते हैं सी में, हमने आपको बताया था कि आप जो भी सी में क्रिएट करते हैं एक्चुअली सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड का मीन्स उसके रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं। कंपाइलर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने को बोलता है और आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो ये जो रूल्स हैं एक्चुअली ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है, जिन्हें हम सिक्स सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। और ये सिक्स सेक्शंस क्या क्या हैं और आप इन्हें क्या कहते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो सबसे पहला दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। क्या कहते हैं हम इसे? हम कहते हैं इसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस क्या होता है? ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन वो एरिया होता है जो यूज़र अपने लिए रखता है या उसके बाद अगर कोई इस प्रोग्राम को यूज़ करने वाला है उसके लिए रखता है। सपोज़ मैं एक कोड लिखता हूँ, एक बहुत बड़ा कोड है, कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखना हो तो बहुत छोटी सी बात है। जैसे यहाँ 3 नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो मैंने उसके लिए एक प्रोग्राम क्रिएट किया, ये बहुत छोटा सा है, ये आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि क्या है। मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है और आपके आपके बाद आपने उस प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर पे या कहीं छोड़ा हुआ है और आपका कोई स्टूडेंट या कोई आपका अपना कोई उस प्रोग्राम को देखता है तो उसे समझ में आना चाहिए कि आपने क्यों लिखा है, या कुछ सालों बाद खुद आपको समझ में आना चाहिए कि आपने प्रोग्राम क्यों लिखा था, रैदर देन कि आप उसे पूरे कोड को पढ़ें या आप उसे कंपाइल करके या रन करके देखें। या मान लीजिए कोई एरर छूट गया था और आपको वो प्रॉपर कंपाइल नहीं हो रहा है या रन नहीं हो रहा है तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो प्रोग्राम आपने लिखा क्यों था। इसी के लिए आपके पास छोड़ा गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जहाँ पर आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन जो है उसे रीड कर सकते हैं और इसे आप क्लोज करेंगे कमेंट से। तो मैं आपको कमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कमेंट आपको कुछ ऐसे लगाना होता है जिसे कंपाइलर रीड नहीं करता। मींस कमेंट लगाने के बाद कंपाइलर आपकी इस लाइन को रीड नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो ये देखिए हाईलाइट होने लगा, मीन्स कंपाइलर अब इसे रीड करेगा तो आपको एरर आ जाएगी। और यहीं पर आप दो बार फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं तो ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा। और कमेंट आप दो तरीके से देते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस के लिए, आप एक देते हैं सिंगल लाइन या डबल लाइन कमेंट और दूसरा आप यहाँ पर देते हैं कुछ इस तरीके से, आप एक देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, देन आप लगाएंगे एस्ट्रिक मार्क और वही एस्ट्रिक मार्क को फॉरवर्ड स्लैश से आपको उसको क्लोज करना होगा। सपोज अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तो आप देखिए क्या होता है, ये देखिए पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा अब कंपाइलर द्वारा रीड नहीं किया जाएगा। मीन्स जैसे ही आप लिखते हैं डॉट फॉरवर्ड आपका फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक मार्क तो आपको उसको क्लोज करना होगा, आपको यहाँ लगाना होगा यहाँ पे एस्ट्रिक एंड देन क्लोज। तो सिर्फ इतनी ही लाइन रीड कंपाइलर द्वारा रीड करना छोड़ देगा और बाकी की लाइनें रीड करेगा। अगर आपने ये हटा दिया ये वाला कमेंट जब आप लगा रहे हैं तो आपको इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। और ये वाला जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप सिर्फ ओपन कर सकते हैं, इसे क्लोज ना करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, सो यहाँ जो आप एक्चुअली बेसिक डिटेल्स देते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में, किसने क्रिएट किया, इवन आप डेट डाल सकते हैं कि ये डेट कब बनाई गई। जैसे अगर मुझे यहाँ पर लिखना है डेट तो मैं यहाँ पे आज की डेट डाल सकता हूँ कि मैंने इसे आज क्रिएट किया था, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 29 एंड आज 08 एंड देन 2022। ओके, सो ये बता देगा कि ये प्रोग्राम मैंने कब क्रिएट किया था, कब बनाया था। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये पहला सेक्शन होता है। मीन्स हम वो टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं जो कंपाइलर या सी हमें सिखाती है कंप्यूटिंग की लैंग्वेज में। ओके, हमने जो प्रोग्राम पहले देखा था उसका स्ट्रक्चर समझा था, उसका स्ट्रक्चर जाना था, तो हमने ये देखा था कि ये सारी चीज़ें यूज़ क्यों होती है। आइए अब उन्हें अगर कंप्यूटिंग की टर्म्स में हम क्या बोलते हैं और किस तरीके से हम उन्हें उन टर्म्स को हम उन्हें हम किन टर्म्स में बोलते हैं या हमें किन टर्म्स का यूज़ करना है उन्हें
बताते समय या उन्हें समझाते समय उनके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहला होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट होता है आपका लिंक सेक्शन। तो मैंने आपको ये बताया था कि हैश, मैंने आपको ये क्लियर किया था पूरा कि हेडर फाइल क्या होती है, लिंक सेक्शन क्या होता है। अगर आप समझना चाहें तो फर्स्ट वाला सी का जो प्रोग्राम है, जो फर्स्ट वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के बाद वाला वीडियो, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो, और उसके बाद वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी हेडर फाइल मैंने एक्सप्लेन की है कि क्यों होता है हैश का, हैश इनपुट का क्यों यूज़ करते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इनके अंदर जो डिफाइन है हम कैसे देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अभी हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो हम हैश इंक्लूड लगा रहे हैं, मीन्स ये प्री प्रोसेसर काम करता है। प्री प्रोसेसर को जानना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए क्या होता है। और प्री प्रोसेसर के लिए जो सेक्शन दिया जाता है, ये वाला सेक्शन आपका कहलाता है लिंक सेक्शन। मीन्स हम प्रोग्राम को ये कहते हैं कि ये जो हेडर फाइल्स है, ये आपको प्रोग्राम में रीड करनी है, इंक्लूड करनी है। ये कहलाता है आपका लिंक सेक्शन। मीन्स आपका एक्सटेंडेड सोर्स कोड जो हम कंपाइलर को देना चाहते हैं, वो प्री प्रोसेसर, जो पहले प्री प्रोसेसर द्वारा रीड किया जाता है, और ये कहलाता है इतना जो सेक्शन आपका, ये दोनों हेडर फाइल ये आपके कहलाते हैं लिंक सेक्शन। ओके, ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका लिंक सेक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो आपने एक और हेडर फाइल लगाई है, ये हमारी हेडर फाइल है। मैंने आपको हेडर फाइल जिस वक्त बताया था हैश इंक्लूड के साथ, उस समय मैंने आपको डिफाइन किया था, बहुत सारी हेडर फाइल्स बताई थी कि इन्हें क्यों इंक्लूड करते हैं, किस तरह इंक्लूड करते हैं और क्या क्या होता है। वैसे ही इस सेक्शन के बाद, आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन और लिंक सेक्शन के बाद, आपके पास एक और सेक्शन होता है जिसे आप कहते हैं डेफिनेशन सेक्शन। ओके, जहाँ आप डिफाइन करते हैं कुछ। मींस मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ और उस प्रोग्राम में मुझे पाई की वैल्यू ऐड करनी है, वो 1000 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो 10 टाइम्स मुझे लिखना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू क्या है। मींस पाई इक्वल टू 3.1415, लाइक दिस। मुझे जहाँ जहाँ पाई लिखा है वहाँ वहाँ पर मुझे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू देनी पड़ेगी। सो मुझे हजारों बार वो वैल्यू ना लिखना पड़े, पाई की वैल्यू ना बतानी पड़े, इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि पाई स्पेस देन पाई की जो वैल्यू है वो। सो इस प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में जब भी मैं कहीं भी पाई यूज़ करूँगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली पाई की ये वाली वैल्यू खुद उठा लेगा, मुझे बार बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। इसे कुछ इस तरीके से और समझिए कि मान लीजिए मैं पाई ना लेकर कोई और यहाँ पर कुछ और डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई प्रोग्राम मैंने बनाया, वहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मैक्स वैल्यू, और मुझे मैक्स वैल्यू बार बार डिफाइन करनी पड़ रही कि मेरी मैक्स वैल्यू 20 है या 100 है। सो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, मैक्स 100, सो जहाँ भी मैं मैक्स वर्ड यूज़ करूँगा, मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे रिप्लेस कर देगा 100 से। मीन्स वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि मैक्स अगर मैंने दिया है, तो मैंने डिफाइन किया है कि मैक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 100 होगी। प्रोग्राम में कहीं भी मैं यूज़ करूँगा तो वैल्यू 100 ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसका एक फ़ायदा और है कि मान लीजिए मुझे मैक्स वैल्यू कभी बदलनी है, और मैंने 100 टाइम मैक्स यूज़ किया, तो मुझे 100 जगह उसको रिप्लेस करने की या बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे दूंगा, यही मुझे चेंज करना पड़ेगा सिंपल मैक्स 50। तो जितनी जगह मैंने मैक्स लिखा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली 50 कंपाइलर ले लेगा। जब भी मैक्स रीड करेगा तो उसकी वैल्यू जो लेगा वो 50 लेगा। ओके, सो ये वाला जो आपका सेक्शन होता है, ये सेक्शन कहलाता है आपका डेफिनेशन सेक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आपका ये वाला हो गया, ये आपका लिंक सेक्शन हो गया, ये आपका हो गया डेफिनेशन सेक्शन। और यहां आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक छोटा सा आपके लिए कुछ क्रिएट किया हुआ है। सो मैंने एक और फंक्शन बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। सो जो फंक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ वो मेन फंक्शन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। ये मेन फंक्शन के ऊपर है, यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ कुछ, तो ये कहलाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, ग्लोबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर मैं जो भी डिक्लेयर कर रहा हूँ वो पूरे प्रोग्राम में से कहीं से भी एक्सेस हो सकता है।
पूरे के पूरे प्रोग्राम में से कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ, मींस मान लीजिए कि ये एक मेन फंक्शन है, मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए एक बार, मैंने आपको क्लियर किया था कि जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, मींस उसे यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उस फंक्शन के आगे सेमी कॉलन लगाते हैं, और जिस फंक्शन को आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसे आप सिर्फ पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके आगे सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। सो मान लीजिए कि एक फंक्शन आपने मेन फंक्शन है जो आपको कंपलसरी है, आपको क्रिएट करना ही करना, आप एक मेन फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर ही आप सब कुछ लिखते हैं, और मेन फंक्शन के अलावा भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं। मान लीजिए आप सम का एक फंक्शन बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर एक सम का फंक्शन बना दिया, और आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं तो आपने दे दिया इंटीजर, माफ कीजिएगा, आपने यहां पर दे दिया, यहां आपने लिख दिया इंट ए, ओके। और आप फिर एक और यहां पर एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो आप लिख रहे हैं सब्सट्रैक्शन वॉइड सब, ओके, आपने यहां लिख दिया वॉइड सब, एक सब्सट्रैक्शन के लिए आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। आप फंक्शन के टाइम पे देखेंगे कि जो फंक्शन आपके हैं, जो फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो आपको पहले से डिफाइन करके मिलते हैं, उनके अलावा भी फंक्शन है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, और कुछ आप खुद भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी एक फंक्शन बना लिया, आपने यहाँ पर लिख दिया इंट ए। जितने बार भी आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो इन वेरिएबल्स को अगर आप इनके अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपके लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे। आपने मेन फंक्शन के अंदर कोई डिफाइन किया है, तो ये सारे लोकल वेरिएबल्स हैं। इंट ए यहाँ भी है, इंट ए यहाँ भी है, इंट ए यहाँ भी है, मीन्स ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, ये सिर्फ इन्हीं फंक्शंस के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं, और आप जितने बार कोई नया फंक्शन बनाएंगे, आपको उतने बार ये वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। और सपोज मान लीजिए कि आप इस वेरिएबल को, इंटीजर ए को, आप यहाँ ना लिखकर फंक्शंस के बाहर लिखते हैं, मीन्स हेडर फाइल के पहले लिखते हैं, आपने यहाँ पे डिफाइन किया इंटीजर ए, आप उसे यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन कहलाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। मीन्स आप उसे इस हेडर फाइल से भी यूज़ कर इस फंक्शन से भी यूज़ करते हैं, इस फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं, और मेन फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स पूरे प्रोग्राम में आप किसी भी फंक्शन से इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ये कहलाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। सो ये वाला जो सेक्शन है आपका, जिस सेक्शन को आप अभी यूज़ कर रहे हैं या जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सो ये वाला आपका कहलाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। हो सकता है मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, सो ओके, ग्लोबल डिक्लेरेशन, ओके। सो अभी तक आपने क्या देखा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, और आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। सो अभी तक हम डिफाइन कर चुके हैं हमारे चार जो सेक्शंस हैं उनको, कि हम इन्हें क्या बोलते हैं। और आपका फिर आता है आपके पास जो आपके नेक्स्ट सेक्शन होता है, ये कहलाता है आपका मेन सेक्शन, जो आप यहाँ से शुरू करते हैं, आपका मेन फंक्शन जो होता है, ये कहलाता है आपका मेन सेक्शन। ये कंपलसरी होता है, ये आपको क्रिएट करना ही करना है, ये आपका मेन सेक्शन होता है। सो ये आपके फाइव सेक्शंस हो गए हैं। जब आप सी के प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड को डिवाइड करते हैं, तो सी का स्ट्रक्चर्ड को इस तरीके से डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्शंस। जिन सी के प्रोग्राम को बनाते समय जब आपने कुछ क्रिएट किया, कुछ बनाया, सो आपने जो कुछ भी लिखा या जो कुछ भी आपने क्रिएट किया, वो सारी चीज़ें सेक्शंस में डिवाइड होती है। तो ये आपका सेकेंड लास्ट सेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं मेन सेक्शन, और ये कंपलसरी है। और इसके बाद जो आप बनाते हैं वो कहलाता है सब प्रोग्राम सेक्शन, ओके। सो इसके बाद जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपका कहलाता है सब प्रोग्राम सेक्शन। मीन्स इसे आप कुछ ऐसा समझिए कि जब आप अपना कोई क्रिएट करेंगे फंक्शन, अपना कोई फंक्शन, खुद का क्रिएट किया हुआ कोई फंक्शन बनाएंगे, या खुद का क्रिएट किया हुआ कोई फंक्शन मेन फंक्शन के बाद लिखेंगे, या जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपका सब प्रोग्राम सेक्शन कहलाएगा।
ओके तो आप समझ गए होंगे कि सब प्रोग्राम सेक्शन मींस वो सेक्शन की मेन सेक्शन के बाद, मेन फंक्शंस के बाद जब आप यूज़र डिफाइंड सेक्शंस क्रिएट करते हैं, जो 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 फंक्शंस यूज़र खुद बनाता है, वो फंक्शन जो यूज़र खुद क्रिएट करता है, वो वाला एरिया जो होता है वो आपका कहलाता है सब प्रोग्राम सेक्शंस। सो इन 7 सेक्शंस में आपका, इन 6 सेक्शंस में माफ़ कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा सी का जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो होता है। और आई होप आपको ये पूरी टर्म्स जो है वो क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, शेयर कीजिए ताकि बाकी जो आपके और भी इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सी में प्रोग्रामिंग सीखने हैं वो इसे यूज़ कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ